नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गांधी जी का एक मूल मंत्र यह भी था कि जैसा देश वैसा भेष, यह यकीनन वर्तमान पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 68 साल में पहली बार पाकिस्तान की जीडीपी में भारी गिरावट आई है। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ -0.38 रही है। सरकार के आर्थिक सलाहकार हफीज शेख ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति पहले ही काफी कमजोर थी, महामारी ने तो हालात और ज्यादा बदतर कर दिए हैं। मगर पाकिस्तान के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि इस वित्त वर्ष में 1 लाख गधे बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के हर 10वें परिवार में एक गधा मौजूद है। पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता है, इसके मुताबिक पाकिस्तान 3 साल तक हर साल 80,000 गधे चीन को निर्यात करेगा। पिछले साल देश में 54 लाख गधे थे, यह इस साल बढ़कर 55 लाख हो गए हैं। इसके अलावा 12 लाख भैंसे और 3 करोड़ बकरियां भी बढ़ी हैं। पाकिस्तान अपने गधों का सबसे ज्यादा निर्यात चीन को ही करता है, वहां इनकी स्किन का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। चीन ने पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ाने के लिए $3 करोड़ का निवेश किया है। यानी पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी में गधों का अहम योगदान होता है। यह ऐसा देश भी है जहां गधे आरोपी भी बनते हैं, गिरफ्तार होते हैं और पुलिस थानों से उनकी जमानत भी होती है। पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए एक गधे को 4 दिन हवालात में रहना पड़ा। बाद में पाक फौज सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने हस्तक्षेप किया तो तब जाकर किसी तरह उसकी जमानत हो पाई। खास बात यह है कि इस गधे पर जुआ खेलने का आरोप था। अगस्त 2019 से पहले इस देश में उतनी तेजी से गधे नहीं बढ़े थे जैसा कि 2020 में नया पाकिस्तान और मदीने की रियासत में उनमें वृद्धि हुई है। इसके बाद ही इस देश में गधेया नृत्य की नींव पड़ी है। यह गधे केवल लाहौर की गधा गाड़ी खींचते ही नहीं मिलेंगे बल्कि फेडरल गवर्नमेंट से लेकर वजीर आजम हाउस के दफ्तरों में इन्हें अच्छा खासा रुतबा हासिल है। जिस प्रकार ये पाकिस्तान की जीडीपी के आधार स्तंभ है, वैसे ही देश के विकास को रफ्तार देने की प्रेरणा इन्हीं से मिलती है। यह पाकिस्तान के मदरसों से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक अपनी बुद्धि कौशल की छाप छोड़ रहे हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की दिशा यही गधे निर्धारित करते हैं। खुद इमरान खान भी गधों का देश में योगदान पर संगोष्ठियां करते रहे हैं। ऐसे में हफीज शेख द्वारा बजट में गधों का स्थान देना इनकी महत्ता को दर्शाता है। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के गधा मालिकों ने एक बड़ा आंदोलन करके पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। हालांकि लोगों में उस घटना की स्मृति शिथिल पड़ चुकी है, मगर इस आंदोलन ने साबित कर दिया था कि देश में गधों के बगैर रोजी रोटी नहीं चल सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि उस आंदोलन से जुड़े कई गधा मालिक आज पाकिस्तान में अहम पदों पर मौजूद हैं। इनमें से कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास हजारों की तादाद में गधे हैं। मीडिया से जुड़ी हस्तियां और बड़े व्यापारी तक इस बिजनेस से अछूते नहीं है। आज पाकिस्तान में कहा जाने लगा है कि जिसके पास काम धंधा नहीं है वह गधे पाल ले। कहने को तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है, मगर पाकिस्तानी आवाम आज गधों पर इतना निर्भर हो चुका है कि उन्हें वही अपना राष्ट्रीय पशु नजर आता है। यह मेहनत कश प्राणी इन्हें तरक्की के ख्वाब दिखाता है, आंदोलन करने को प्रेरित करता है, साथ ही तहमत लहराने की खुली छूट भी देता है। जबकि आम आदमी की अपेक्षा पाक के बजट में इस पर बाकायदा चर्चा भी होती है, जबकि मारखोर का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसे में जब कहीं गधों पर व्याख्यान होते हैं या मदरसों में महफिलें सजती है तो वहां अपेक्षा से कहीं ज्यादा भीड़ जुटती है। पाकिस्तान में गधों के अलग से मेले लगते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। यहां मदरसे के मुल्ला से लेकर हीरा मंडी का दल्ला तक हर कोई मौजूद रहता है। मेले में केवल गधे ही नहीं बिकते बल्कि उन विचारों की बोलियां भी लगती है जो तस्वीरों के साथ अपनों को खोजने मेलों में आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिसे ये गधे उठाकर लाए थे शायद उसकी कोई झलक देखने को मिल जाए। बलूचिस्तान की एक बेटी आज भी गधों के इन मेले में अपने भाई को ढूंढती फिर रही है। वह अकेली नहीं है बल्कि उस जैसी सैकड़ों बहने माए और पिता बच्चे भी अपनों की तलाश में है। मगर ये गधे दुलत्तीबाज हैं, इसलिए नजदीक आने की बजाय दूर से ही इनसे बचकर चलना पड़ता है। ऊपर से चीन का इनमें किया गया निवेश इन्हें और ज्यादा आक्रामक बना देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।